नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है रह गुजर। ये कहानी हमने हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ लेखिका कमल कपूर जी की पुस्तक आंगन आंगन हर सिंगार से ली है। तो आइए सुनते हैं कहानी रह गुजर। वो उस 3 मंजिले भवन के सामने खड़ा था जहां बरसों पहले एक बंगला हुआ करता था। इसी रह गुजर से सुबह सांझ गुजरते हुए वो कुछ पल ठिठक कर उस फूलों सी सुकुमारी लड़की को अपलक निहारता था, जो बंगले के हरे भरे बगीचे में व्हील चेयर पर बैठे एक बूढ़े आदमी की सेवा टहल करती नजर आती थी। कभी उसके बालों में तेल मालिश करती, कभी कंधे दबाती, कभी चाय नाश्ता कराती या फिर व्हील चेयर थाम कर घुमाती। शायद उसके पिता ही होंगे वो सोचता। उससे नजर मिलते ही कुछ मुस्कुरा देती वो और कुछ शर्मा भी जाती। उसकी हिरनी सी आंखों में एक मौन निमंत्रण तैर रहा होता। वो प्यार करने लगा था उससे और यकीनन वो भी। तभी तो जब कभी उसे ऑफिस से लौटने में देर हो जाती तो वो गेट पर खड़ी मिलती। उसके नैनों में फिक्र भी लिखी होती और शिकायत भी कि कहाँ थे। प्यार जब शिद्दत की हदें पार करने लगा तो वो एक दिन हिम्मत जुटाकर उस बूढ़े आदमी के सामने जा खड़ा हुआ और विनम्र स्वर में बोला, जी नमस्ते, मैं भुवन भास्कर हूँ, सरकारी पक्की नौकरी में हूँ। अपना अपना मकान है सहारनपुर में। और पर बरखुरदार तुम हो कौन? बूढ़े ने उसकी बात काटी थी। और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसने सिर झुकाकर कहा तो बूढ़ा मुस्कुराया। तुम गलत जगह आए हो बच्चे, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। जी ये इनसे ही, उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा तो वो बूढ़ा व्यक्ति भड़क उठा। इससे? मीना से शादी करना चाहते हो तुम? ना मुराद, अगर मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हारी टांगे तोड़ देता और जुबान खींच लेता तुम्हारी मैं। और तू बदसात, गरीबी की कीचड़ से निकालकर इसलिए ब्याह किया था मैंने तुझसे कि तू राह चलतों से नैन मटक्का करती फिरे। जा जा भीतर जा। सन रह गया था वो सब तो सपने भी बिना सोचा था उसने। ऐसे संस्कार तो ना मिले थे उसे कि वो ब्याहता औरत से प्यार कर किसी असहाय मानुष का घर बर्बाद करे। वो हाथ जोड़कर चल पड़ा और मुड़कर भी ना देखा पीछे। वो रह गुजर भी छोड़ दी उसने और ये शहर भी। अब बरसों बाद दफ्तर के काम से यहां आया तो यहां आने का मोह न त्याग पाया, लेकिन मन में टीस का एक तीखा कांटा चुभा और आंखों से दो मोती निकलकर उस रह गुजर को चमका गए।